अब गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि पौधे इस तरह से देखिए ख़राब हो रहे हैं, झुलस रहे हैं। अगर एक दिन भी आपने पानी इसमें नहीं दिया, गलती से आप पानी भूल गए, तो पौधों का यही हाल हो रहा है और इस पौधे के साथ भी यही हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे काम करें कि जिससे हमारे पौधे गर्मियों में, इस तपती गर्मी में बचे रहें, उनकी ये हालत ना हो। तो उसके लिए कुछ 5-6 काम अपने गार्डन में ऐसे हमें करने हैं जिससे ये मई, जून, जुलाई तक पौधे आराम से चल जाएंगे। सबसे पहले वाटरिंग। तो वाटरिंग हमें शाम के टाइम में करना है और इस तरह से करना है, पानी इतना ज़्यादा पॉट में भर के देना है, ड्रेनेज होल से पानी नीचे निकलने लगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और हम पानी ऊपर ऊपर देते हैं, नीचे तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है, तो भी पौधा हमारा ख़राब हो सकता है। तो पानी इस तरह से दें इस तपती गर्मी में कि पानी नीचे ड्रेन आउट हो जाए और हमारे पौधे के जो रूट्स हैं, सभी रूट्स को पानी अच्छे से मिल जाए। ये नहीं कि ऊपरी हिस्से में सिर्फ पानी मिले और नीचे वाला हिस्सा ऐसे ही बिना पानी के रह जाए। सुबह के टाइम में जब हम पानी देने आते हैं तो पूरा पॉट हमारा देखिए ऐसे लगता है कि गीला है, तो इस समय फिर दोबारा हमें पानी पूरा भर नहीं देना है इसमें, ऐसे हम पानी का छिड़काव कर देंगे। और ख़ास करके जो हमारे रोज़ प्लांट है, रोज़ के प्लांट के ऊपर, तो हमें इतनी गर्मी में सुबह शाम एक बार हम मिस्टिंग कर दें तो पौधों को काफ़ी राहत रहेगी। जो पत्तियाँ झुलस जा रही हैं रोज़ प्लांट की, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सुबह के टाइम में गमले में पानी भरना नहीं है, एक टाइम आप गमले में पानी भरिए और मॉर्निंग के टाइम में गार्डन में जितने भी आपके प्लांट हैं सभी प्लांट को इस तरह से आप धुल दीजिए, तो इससे इनको थोड़ी राहत रहेगी गर्मी से। और रोज़ के प्लांट को तो ज़रूर दिन में 2 बार, ये देखिए पत्तियाँ इनकी किस तरह से जल रही हैं। और मैं अभी तक एक ही टाइम पानी देती थी गार्डन में, शाम के टाइम में सुबह नहीं देती थी, लेकिन अब सुबह पानी का छिड़काव करना है पूरे गार्डन में हमको, तभी हमारे पौधे चल पाएंगे इस तपती गर्मी में। तो इस तरह से सारे पौधों को आप पानी देने के साथ साथ मिस्टिंग भी कर दीजिए तो पौधे हमारे काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। दूसरा काम करना है मल्चिंग करना। जो गार्डन में बड़े बड़े गमले हैं या बड़े पौधे हैं और वो जड़ों से भर चुके हैं पॉट, तो उनकी मल्चिंग हमें कर देनी है, क्योंकि उसमें सुबह शाम पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद भी वो गमला सूख जाता है, मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। ये मिट्टी का गमला है तो इसमें पानी बहुत जल्दी सूखता भी है और ये पौधा जो है हमारा 12 बजे तक पूरी पत्तियां इसकी ऐसी लगती हैं कि लटक सी गई हैं, इस तरह से ड्राई ड्राई से दिखती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इनकी जड़ों तक गर्मी ना पहुंचे, नमी बनी रहे, तो मल्चिंग करना है। मल्चिंग करने के लिए आप किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखिए ये मधुमालती का पौधा है हमारे वहाँ नीचे ज़मीन में लगा हुआ है और इस तरह से उससे काफ़ी फ्लावर नीचे झड़ के गिरते हैं और वो सूख जाते हैं, तो मैंने वहीं से इसको इकट्ठा कर लिया है। तो इस तरह से कुछ नहीं करना है, बस जड़ों के पास हमें मिट्टी कवर कर देनी है जिससे कि डायरेक्ट जड़ों में धूप ना लगे और यहाँ की मिट्टी ड्राई ना हो जाए। सभी पौधों के साथ मत करिए, लेकिन जो गार्डन में बड़े पौधे हैं और जिनकी मिट्टी ड्राई हो जाती है शाम तक, जिसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप ये मल्चिंग कर सकते हैं। इससे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी और मिट्टी इतने जल्दी जल्दी सूखेगी भी नहीं, तो हमारा पौधा ये स्वस्थ रहेगा। 10 बजे से लेकर शाम तक जब तक सूरज ढलता नहीं है तब तक उस गमले में पड़ रहा है और गमला मिट्टी का है, तो वहाँ मल्चिंग ज़रूर करिए। और मल्चिंग करने के लिए किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं आप। इस तरह से देखिए मेरे पास ये नारियल के छिलके हैं, इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। आपके गार्डन में सूखी पत्तियां निकलती ही हैं, उनसे कर सकते हैं, सूखी पत्तियों को इस तरह से बिछा सकते हैं आप। और कोकोपीट का यूज कर सकते हैं, राइस हस्क का यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो पौधों को नुकसान ना करे, उसका यूज़ आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो गार्डन में हम लोग टर्टल वाइन लगाते ही लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ये मल्चिंग के लिए ही छोड़ रखा है, हटाया नहीं। तो गार्डन में कई ऐसे पौधे हैं जिनमें टर्टल वाइन लगा दिया है और उसने गमलों को कवर कर लिया, पौधे हमारे बिल्कुल सेफ़ हैं।
तपती गर्मी से पौधों को बचाने के लिए तीसरा काम हमें क्या करना है, अपने पौधों को ग्रुप में रखना है, अलग अलग नहीं रखना है, इस गर्मी में ग्रुप में रखना है। जैसे बड़े पौधे हैं जो गार्डन में बड़े प्लांट हैं, उनके नीचे आप इंडोर प्लांट या ऐसे प्लांट रख सकते हैं जिनको 4-5 घंटे की ही धूप चाहिए, 2-3 घंटे की ही धूप चाहिए। यहाँ पे देखिए फर्न है, डमकेन है और सिंगोनियम स्पाइडर प्लांट, इन सबको मैंने, ये बड़े पौधे हैं और उसके नीचे इस तरह से लगा रखा है। तो पौधों को आप ग्रुप में रखिए, अलग थलग ना रखिए, तो हमारे पौधे काफ़ी अच्छे चलेंगे, इससे एक दूसरे को नमी मिलेगी। और गार्डन में कुछ ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ दीवार हो और वहाँ 1-2 घंटे की धूप आए या 4 घंटे की धूप आए। इस तरह से अपने गार्डन के जो भी पौधे हैं उनको देखिए कि किसको ज़्यादा धूप चाहिए, किसको कम धूप चाहिए, तो उनको शिफ्ट कर दीजिए, दीवार के सहारे रख दीजिए जिससे उनको कम धूप मिले। तो आपको गर्मियों में अपने प्लांट की शिफ्टिंग करनी है, शिफ्ट आप उसी तरह से कर सकते हो, देख के कि किस पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, किसको कम धूप की ज़रूरत है। तो वहाँ देखिए दीवार, हमारे गार्डन में एक ये वाली दीवार है, यहाँ पे धूप 12 बजे तक रहती है, 12 से 1 बजे तक रहती है, उसके बाद धूप चली जाती है, छाया हो जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी मैंने इस तरह के पौधे रखे हैं जो 3-4 घंटे या 2 घंटे की धूप में चलने वाले पौधे हैं, तो वहाँ रख दिया है। ये कॉर्नर का हिस्सा देखिए, यहाँ सिर्फ दोपहर की जब सीधी धूप पड़ती है तो ये 3-4 घंटे की धूप, उसके बाद छाया हो जाती है। इधर ये दीवार है और इधर ये हट है, तो इन सब से इसकी छाया हो जाती है। और यहाँ पे पौधे देखिए मैंने कितना ज़्यादा इकट्ठा ही रख दिया है ग्रुपिंग में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 12 बजे तक 1 बजे तक की धूप रहती है, तो कुछ पौधे मैंने यहाँ इस तरह से लगा दिए हैं, फिर हट के सहारे छाया आ जाती है, धूप चली जाती है यहाँ से। तो इस तरह से गार्डन में अपने देखिए कि कौन सी जगह किस पौधे के लिए सही है और उस हिसाब से पौधों की शिफ्टिंग करिए आप। और ये गर्मी में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पूरी की पूरी धूप अगर पड़ती रही तो हमारे पौधे जल जाएंगे और हमारे सारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। कुछ पौधे तो हार्डी होते हैं जो चलते रहते हैं, जैसे अब ये यहाँ पे देखिए गुड़हल के जितने भी पौधे हैं मैंने सीधे यहाँ पे लगा रखा है और यहाँ सुबह से लेकर शाम तक इनको धूप मिलती रहती है। तो इन पौधों में आप गुड़हल के पौधे हैं, बुगनविला है, तो इन सब को रख सकते हैं क्योंकि इनको पूरे दिन की धूप चाहिए। ये मोगरा का पौधा है तो इनको आप लगा सकते हो। लेकिन जैसे फलों के पौधे हैं, फलों के पौधों को आप 4 से 5 घंटे की धूप दीजिए, नहीं तो इनकी कलियां गिर जाती हैं। देखिए मेरे पास एक चीकू का पौधा है और इसको पूरे दिन की धूप मिलती है, पूरे दिन की, शाम तक धूप मिलती है। तो इसकी कलियाँ जल के गिर रही हैं, फ्लावर तो इस पर आ रहे हैं लेकिन फ्रूट नहीं बन रहे हैं, तो इसकी जगह मैं चेंज कर दूंगी अब यहाँ से। यहाँ देखिए एक सहतूत का पेड़ है और इसको मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया था, फ्लिपकार्ट से। और देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसको छाया वाली जगह पे इसको 12-1 बजे तक की धूप मिलती है, फिर इसके सहारे, और उधर स्टैंड है तो फिर इसको छाया मिल जाती है। और देखिए इसमें कितने ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है, सब फ्रूट्स बन रहे हैं। इस तरह से फल वाले जितने भी प्लांट हैं उनको ऐसी जगह पर शिफ्ट करिए कि जिनको 4-5 घंटे की धूप मिले, पूरे दिन की धूप ना मिले, नहीं तो उनके फल और फूल झड़ने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं तपती धूप में। और सबसे आसान तरीका होता है ग्रीन नेट डाल देना गार्डन में। अगर गार्डन का एरिया छोटा है तब तो ये पॉसिबल है कि आपने ग्रीन नेट डाल दिया और सारे पौधों को बचा लिया, लेकिन अगर गार्डन बहुत बड़ा है तब ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए छोटे छोटे फिर हमको ऐसे ही तरीके अपनाने होते हैं जिससे हमारे गार्डन के सारे पौधे हरे भरे रहें, बचे रहें। तो ये कुछ छोटे छोटे से तरीके हैं जिससे गार्डन को हम हरा भरा बनाए रख सकते हैं तपती गर्मी में भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये छोटे छोटे जुगाड़ अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।